गाइज, अगर आप ऑनलाइन कैब बुक करना नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए होगी स्पेशल, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ऊबर कैब को अपने मोबाइल की मदद से बुक कर सकते हो और उसका पेमेंट मेथड। और अगर आपको अपनी कैब कैंसिल करानी है तो आसानी से आप कैंसिल भी करा सकते हो। गाइज, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले लो। थैंक यू। गाइज, अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में ऊबर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो उसे इंस्टॉल कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ओपन हो रहा है, फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है इसलिए ये एक परमिशन मांग रहा है, इसे आप अलाउ कर दें। ये हमारी लोकेशन की परमिशन होती है कि हम इसे लोकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल सा इंटरफेस मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। नीचे आपका मोबाइल नंबर डालना है जिसके ऊपर OTP आएगा। उसके नीचे अगर आपके मोबाइल नंबर नहीं है तो नीचे आप कनेक्ट विद सोशल, मतलब जीमेल से या फेसबुक अकाउंट से इसमें लॉगिन कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वापस से बैक चले आते हैं। मेरे पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। इसको टच करते हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब नीचे आपको जो बटन दिख रहा है इसको बटन को क्लिक कर दे, सिंपल सा। अब आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, उस OTP को ऑटोमेटिकली यह स्कैन कर लेगा और इसके अंदर फिल कर देगा। ये फिल हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आपको रीसेट का नीचे बटन दिख रहा होगा, ये अकाउंट एक्सेस के लिए होता है, रीसेट के लिए। इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आगे आपसे मतलब आपका जो नाम होगा वो फिल करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अब रीसेट का बटन दबा दिया। अब यहाँ पर आपका जो मेन नाम है वो नाम यहाँ पर आप भर दें, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम, बस आपको ये फिल करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए जो नीचे आपको दिख रहा है बटन। अब यहाँ पे पूरा ये इसकी पॉलिसी है, हम इसको एग्री करते हैं, इसलिए भी आप नेक्स्ट का बटन दबा दें। अब ये ओपन हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको मैप भी दिख जाएगा, थोड़ा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। ये देखिए लोड हो चुका है, यहाँ पे आपको कार्स दिख रही होंगी और ये जो ब्लू डॉट है वो आपकी रियल लोकेशन है और नीचे आसपास आपको जो कार दिख रही है वो आपके नियर बाय कार्स बता रहे हैं। अब आप ऊपर की तरफ देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है वेयर टू, इसके अंदर आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो फिल करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप शेड्यूल का बटन भी है कि आप शेड्यूल भी कर सकते हैं अपनी ट्रैवल। अब मुझे जहाँ पे जाना है मैं वहाँ पे इसके अंदर भर देता हूँ, वेयर टू के ऊपर मैं टच कर देता हूँ। टच करते ही यहाँ पे अब आपको अपना जिस जगह पे जाना है वो टाइप करना है। उसके साथ ही प्लस का जो ऑप्शन है वो आप जैसे ही दबाएंगे तो आपकी वो डेस्टिनी के अंदर जितने भी पॉइंट के अंदर आपको रुकना होगा वो आप फिल कर सकते हैं इसके अंदर पहले ही। ठीक है, मैं तो फिल करना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ वहीं पे डेस्टिनी पे जहाँ पे जाना है मैं वही भर देता हूँ। फरीदाबाद मैंने टाइप कर दिया एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, वो डालते ही देखिए पूरा मैप आ चुका है और नीचे आपको कार्स की इसके अंदर कलेक्शन आ गई कि किस कार से आप जा सकते हैं, पूल से, ऊबर गो से या प्रीमियर से, जिससे भी जाना चाहिए आप जा सकते हैं। पूल के अंदर, पूल का मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको ऊबर गो का दिखाता हूं। ऊबर गो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपको एक आई का बटन दिख रहा होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितने आपके पर्सन बैठ सकते हैं और वेटिंग टाइम के अंदर कितने चार्जेस लगते हैं और इसका क्या प्राइस है, ये सारी डिटेल आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब ऐसी प्रीमियर जो है उसका भी आई बटन को प्रेस करते हैं, उसके अंदर भी देखते हैं इसका क्या वेटिंग टाइम है। ये देखिए उसका वेटिंग टाइम भी वही है और इसके अंदर भी आपको अच्छी क्वालिटी की सीट मिलेगी और अच्छी कार मिलेगी और इतने पर्सन बैठ सकते हैं, मतलब 4 पर्सन ही। और जो पूल है, पूल के अंदर आप किराया सस्ता होता है लेकिन किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है, आप अपने साथ 2 बंदे साथ में बिठा सकते हैं और इसके अंदर भी आपका वेटिंग टाइम लगता है। अगर आप कहीं जाते हैं तो वेट करवाते हैं गाड़ी को तो उसका टाइम लगेगा, उसके चार्जेस अलग से हैं। अब आप अगर रेंट पे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चार्जेस ना पे करने पड़े, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी देखने को मिलेंगी कार्स की। इसके अंदर आपको सिर्फ रेंट चुकाना होगा, अब 24 घंटे के अंदर जितना भी आप ट्रैवल करेंगे उसके कोई भी आपके चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। अब ये जैसे इसके XL है, इसके अंदर 6 पर्सन बैठ सकते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कार है। और जो इसके अंदर ये एक और रेंट के ऊपर है ये 4 पर्सन के लिए है, ये भी काफ़ी अच्छी है रेंट के हिसाब से। अब मैं आपको इसकी पेमेंट मेथड सेट करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे आप पेमेंट को भी अपना सेट कर सकते हैं। ऐड पेमेंट जो आपको दिख रही है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ ये पेज थोड़ा लोड हो रहा है। अब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड देखने को मिलेंगे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पेटीएम कैश या गिफ्ट कार्ड। और मैं आपको एक बार ही पेटीएम भी दिखा देता हूँ, पेटीएम के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि ये हर पर्सन आज के टाइम पे चलाता है। इसके अंदर आपको एक बार ही अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, कोई सा भी आप सेट कर सकते हैं 6 डिजिट का। ठीक है, अब वो इसके अंदर मैं 6 डिजिट का कोई सा भी एक डाल देता हूँ ताकि आप जब भी पेमेंट करें तो ये पिन आपको डालनी पड़ेगी जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं आगे की सेटिंग।
ठीक है। अब ये आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपकी पेटीएम से कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पेटीएम से लेस भी कर लेगा पैसे, ठीक है। मैं इससे कनेक्ट करना नहीं चाहता, मैं कैश पेमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास कैश है तो मैं कैश पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अब नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पेमेंट मोड भी इसमें सेट हो चुका है, कैश देंगे। अब आप इसके अंदर शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे मुझे घर से निकलना है या कब मेरे को पिकअप करे गाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, आप सेट डेट भी कर सकते हैं या टाइम, अगर सेट करना है टाइम भी आप सेट कर सकते हैं यहीं से। जैसे आप डेट आपको सेट करनी है आज नहीं तो कल या परसों, जब भी आपको जाना है तो वो डेट सेट कर लें इसके अंदर, जो डेट आपको जानी है, ठीक है। जिस टाइम पर आपको निकलना है तो उस टाइम को भी आप सेट कर सकते हैं घंटे और मिनट के हिसाब से, एएम पीएम जो आपको डिसाइड करना है, तो अब वो उससे पूरे साइडन से डिसाइड करके उसे शेड्यूल कर सकते हैं नीचे कंफर्म करके। मैं ऐसा तो करना नहीं चाहता अभी। अब यहाँ पे नीचे कंफर्म उबर गो, ठीक है, मैंने उबर गो को कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इसी पॉइंट के ऊपर आपको पिकअप करे ना गाड़ी, यह दूसरा पॉइंट है तो नीचे आप सर्च का आपको बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर भी जा सकते हैं। मैं इसी को कंफर्म कर देता हूँ, पिकअप पॉइंट को, ठीक है। अब ये ओके का बटन है, इसको ओके कर दिया। इसे ओके करने के बाद यह एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेगी स्कैन करने में, आपकी लोकेशन और आपके पास कहाँ पर गाड़ी है तो उसके अंदर कितनी टाइमिंग है आप तक पहुँचने की, वो देखिए ये पूरी कन्फर्म हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था आगे तक। अब ये देखिए, यह पूरे ड्राइवर का नाम और कौन सी गाड़ी नंबर है और ड्राइवर की क्या रेटिंग है, यह भी आ चुकी है। देखिए नीचे ड्राइवर का ये जो कॉल का बटन आपको आइकन दिख रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं इससे, और आपको अगर पिकअप पॉइंट चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। अब जो नीचे ड्राइवर की डिटेल है उसको थोड़ा स्लाइड अप कर लो ऊपर की तरफ, ये देखिए इसकी और सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि आप अगर अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं किसी फ्रेंड के साथ तो वो भी कर सकते हैं, अगर इस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी आसानी से अपनी राइड कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल बटन दबाया और यहाँ पर आपसे मतलब कोई सा भी रीज़न नहीं मांगेगा कि क्यों कैंसिल कर रहे हो, बस आपको यस कैंसिल ये जो बटन है दबाते ही आपकी राइड कैंसिल हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हो इससे तो आप इसके अंदर ये भी चेक कर सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और किस दिन किया है। तो ऊपर आपको जो तीन लाइन दिख रही है उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आपको यूर ट्रिप्स, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, हेल्प, पेमेंट, फ्री राइड, ये मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही इंपॉर्टेंट था वही आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो करंट मैंने जो कैंसिल करी है राइड वो आपके सामने शो हो गई, जो अपकमिंग आपने जो शेड्यूल करी हो तो वो भी इसमें आ जाएगी। गाइज अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।